तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्ले स्टोर से रिलेटेड टू ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा दोस्तों। वो कौन सी टू इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना हो, वीडियो जरा सा स्किप मत कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस चलते वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों सेटिंग नंबर फर्स्ट कौन सी है, दोस्तों सेटिंग नंबर फर्स्ट है कि आप अपने स्टोरेज को मैनेज कैसे कर सकते हो बाय प्ले स्टोर के थ्रू। जैसे कि दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो लो बजट का है और आपने ज्यादा ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो। दोस्तों अब आपके मोबाइल में बिल्कुल से स्पेस खाली नहीं है और प्ले स्टोर से आप ऐप को कैसे मैनेज कर सकते हो। सो गाइस यही प्रोसेस मैं बताने वाला हूं सेटिंग नंबर फर्स्ट में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को खोलना हो। जैसे आप प्ले स्टोर को क्लिक करते हो लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके बाद आपको दोस्तों यहां पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना हो। जैसे आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते हो लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको टॉप पर देखने को मिलता है मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका सारा प्रोसेस शो हो जाता है कि कितने ऐप आपके भी अपडेट करने के लिए पड़े हैं और कितना स्टोरेज आपका यूज है और कितना स्टोरेज आपका बचा हुआ है। और दोस्तों यहां से आप ऐप को भी सेंड और रिसीव कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर 40 GB यूज हो चुका है और 52 GB दोस्तों टोटल है, तो इसमें से जो बचा हुआ है 12 GB ये स्टोरेज अभी भी बचा हुआ है। और इसे आप मैनेज करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है एक मैनेज, मैनेज पर क्लिक करना होगा। मैनेज पर क्लिक करते लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपने किस ऐप को कितनी देर और कब यूज किया है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सब पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो आपने बहुत पुराने हो गए, आपने यूज़ नहीं किया, महीनों के पहले से पड़े हुए हैं, तो उसे आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो इजीली कैसे डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों जिस भी ऐप को आप डिलीट करना चाहते हो उस ऐप को आपको जैसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको कॉर्नर पर दोस्तों डिलीट का आइकन शो होता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से ऐप को ईजिली डिलीट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों जो भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से ऐप को अपने दोस्तों मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों आपका स्पेस जो होगा वो इजीली यहां से आप खाली कर सकते हो। दोस्तों सेटिंग नंबर फर्स्ट यहीं से कंप्लीट होती है। अब दोस्तों सेटिंग नंबर सेकंड जो है वो बहुत ही यूनिक है, जो दोस्तों आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि मैं यहां पर बताने वाला हूं। जैसे कि आप अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी चेंज करते हो, वो अब आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ स्क्रीन पर से इजीली चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप प्रोफाइल वाले आइकन पर देख रहे हो, इसको आपको नीचे को स्वाइप अप करना होगा। स्वाइप अप करते ही दोस्तों यहां पर प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, यहां से आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर देना होगा। जैसे कि दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक्सेप्ट दोस्तों फाइल जो है वो चेंज होकर आ चुकी है। अब इसे आप ऊपर को स्वाइप अप कर देते हो तो फिर से दोस्तों वही आपकी आईडी आ जाएगी। तो यहां से आप इजीली दोस्तों ईमेल चेंज कर सकते हो विदाउट दोस्तों लॉग आउट करते हुए, और वहां से आप जाते हो फिर वहां पर आप क्लिक करके तब वहां से सेलेक्ट करते हो। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा, आप यहां से इजीली चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों टू इंपॉर्टेंट सेटिंग ऐसी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगे दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।